हमारे भाई बहुत होता है, आई एम श्योर यहाँ भी होता होगा, हर जगह होता होगा, बट नॉर्थ इंडिया में नहीं, बहुत होता है। हमारे स्कूल के बाद कॉलेज स्कूल में चंडीगढ़ में किया तो रोज कोई ना कोई बाहर खड़ा होता था, क्यों भाई उसने उसकी बहन को देख लिया था तो उठने पहुंचे हुए, तो बट वो आशिक होता है ना, वो डीट जब डीट होता है ना तो वो पार कर लेते हैं। आई थिंक प्यारी लव स्टोरी है, साथ ही साथ दर्जी का भी एक किरदार निभा रहे थे क्या, वो फील लाइक वो कैरेक्टर में आप आ गए थे, इतना तगड़ा दर्जी था वो, दो कुर्ते सिल दिया, मुझे लगता है कि वो पड़ोसियों के बच्चे खाता था, इतना तगड़ा दर्जी था वो अपनी पठानियों को खा खा के दर्जी के तो नहीं, मैंने जितने भी सेट पे सूट पहने वो सारे अली ने इसके लिए हैं, बहुत सारा होमवर्क किया अली ने उस रोल के लिए, कुछ भी चलेगा काम जो भी आया मेरे को ऐसा वो उठा के जा रहा था ना, तो लिटरली वो ऐसा लग रहा था, क्योंकि हमारे घरों में ऐसे आते थे 10-15 साल में, जब तक ऑनलाइन नहीं होता था, स्टोर नहीं होते थे जम्मू में, तो मम्मी के पास आते थे लोग ऐसे ही लेके, बोलते थे कपड़े और दिखाते, तो वो सब देखा हुआ तो वैसा ही थोड़ा I think it's the USP वही है that we actually take our audiences back in that era, yeah, old time. So we particularly हमने fashion का makeup का उस time पे थोड़ा जैसे काजल loud होता था, so we made sure कि हम वैसा करें, वो घर जो setup दिखाया है that also इतना raking कर करके ढूंढ के उसे ढूंढा, and then वो cars also that we used in the car, so हमने यही कोशिश की है कि video पे कहीं पे कुछ भी compromise नहीं लगे कि 70s में ये तो नहीं होता था। पंजाब में शूट करने का बहुत मजा आता है, मैंने मोस्टली अपने सारे गाने वहाँ किए, पंजाब में शूट करने का बहुत मजा आता है, मेरे को बहुत फील आती है, गाने नहीं खाने के अलावा जो फील है ना, हम यहाँ क्या होता है ना, जहाँ पे हम सेट्स यूज करते हैं रियल लोकेशन यूज करते हैं, पंजाब की चीज बहुत प्यारी है, एंड आई थिंक वो फील भी रियल आती है, तो बहुत नेचुरल रियल फील थी, क्योंकि जहाँ शूट करते थे नीमराना में वो बहुत पुराना फोर्ट है, सच में इतना पुराना फोर्ट है, तो वो भी फील आ रही थी, जो जगह इन्होंने ली थी, वो जो मार्केट है वो रियल मार्केट थी, जहाँ पे मैं वो सर्दी वाला वो गाड़ियाँ रोक रोक के ऊपर शूट किए, सब कुछ बहुत रियल था, बहुत फन। What was the best part while doing this whole music video? जो एक बार बार याद